अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू, मैं सऊदुद्दीन अब्दुल्ला अवलकी, 22 नंबर काउंसलर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हबीब साहब की दरगाह कने बीटी रोड का काम स्टार्ट हो गया और नहादी होटल कने भी रोड का काम चल रहा, डेनिश का चल रहा। मैं मैडम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो हमेशा कचरे का वो रहता था, इंशाल्लाह मैडम ने वादा करा कि यहाँ पर भी फेंसिंग करेंगे, यहाँ बाजार कौन सा तो भी डालेंगे बल्कि वो करें। मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अफजल भाई, हमारे शेख साले बाबाजी साहब और अल्ताफ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हमारी टीम के वर्क से जितने भी हैं, पूरों को जस्तुजू थी कि ये बस्ती में कब होता है ये काम, बल्कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ मैडम का कि हम लोगों को यकीन नहीं था। और जो अफजल भाई, मैं जो बार बार मैडम कने जाके बोलते थे कि आवाम की तकलीफ है, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को और भी भरोसा है मैडम ये एरिया में और भी अच्छे काम करके वो कराएंगे इंशाल्लाह। फिर हम एक दो दिन में मैडम कने दूसरे कामों के वास्ते भी जाने वाले हैं। शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम, दूर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज वादी मुस्तफ़ा हबीब मियाँ की दरगाह से अहले हदीस की जो डांबर रोड बीटी रोड चालू करा गया है, हम हमारे सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों और एक हमारे सऊद भाई एक्टिविट काउंसलर हमारे बॉयस वार्ड के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्पी से अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे लग के अल्हम्दुलिल्लाह काम करवा रहे हैं। और सबिता मैडम जी, हर बार हम जब भी जाके मिलने को गए तो रोड का काम कहाँ तक आया बोल के पूछते रहते हैं। उनको हम हमारे वादे मुस्तफ़ा की तमाम आवाम के तरफ से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वैसे ही और थोड़ा अंदर ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है, वो भी जल्द से जल्द काम हो जाना और जितनी भी रोड मुकम्मिल जल्द से जल्द हो जाना, बल्कि हमारे सऊद भाई से नुमाइंदगी करे। अल्हम्दुलिल्लाह सऊद भाई भी आज आके हमारे जो डांबर रोड की काम स्टार्ट हुआ है उसका जायज़ा लिए, उनका और हमारे सबिता मैडम का और हमारे जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन कमिश्नर और तमाम स्टाफ का, जो भी ये रोड के कॉन्ट्रेक्टर का, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्योंकि ये चारों तरफ से काम एक ही दम चालू होने से आवाम को बहुत तकलीफ थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होने से हमको बहुत बड़ी खुशी का माहौल दिख रहा। और वैसे ही हमारे जो अंदर जो सीसी रोड का, डेनिज लेन का जो काम हो रहा है वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे, बल्कि हमारे सबिता मैडम हमको भरोसा दिए इंशाल्लाह। हमारे सऊद भाई का, हमारे साले बावजूद जो 21 वार्ड के प्रेसिडेंट है, हमारे अल्ताफ है 22 वार्ड के प्रेसिडेंट टीआरएस पार्टी के और तमाम टीए और हमारे एमआईएम के और एक काउंसलर भी है, इनका तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे को एक बहुत बड़ी खुशी का माहौल दिख रहा हमारे वादे मुस्तफ़ा के आवाम की तरफ से और जलपली म्यूनसिपल के तरफ से। मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी हूँ और हमारे 21 वार्ड का नुमाइंदा काउंसलर है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।